बस्ती तिराए पर एआरटी और ट्रैफिक पुलिस द्वारा नाइस पोल्यूशन करने वाले वाहनों के काटे गए चालान, 13 वाहनों से वसूले गए 1,30,000 रुपए। आपको बता दें, मुरादाबाद के कटगढ़ थाना क्षेत्र के हनुमान मूर्ति तिराहे पर बुधवार को एआरटीओ अनिल कुमार के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस एवं प्रदूषण विभाग द्वारा नाइस पॉल्यूशन करने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई। इस दौरान कुल 13 वाहनों के चालान काटे गए, जिनसे कुल 1,30,000 रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले गए। एआरटीओ ने बताया कि हम नाइस डेसिमल मीटर की मदद से गाड़ियों के प्रेशर हॉर्न की ध्वनि को चेक कर रहे हैं। जिन गाड़ियों में ध्वनि अधिक पाई गई है, उन गाड़ियों के चालान किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया, जिन मोटर बाइक में ओरिजिनल साइलेंसर निकलवाकर आर्टिफिशियल साइलेंसर लगवाया है, उनके खिलाफ भी चालानी कार्यवाही की गई। उन्होंने कहा कि ये अभियान 10 अगस्त तक जारी रहेगा। सूरज जी, कहाँ पे चलना है, चेकिंग चल रही थी? तो कितने का चालान आपका काटा है? 10,000 का चालान का। किस चीज पे काटा है, कुछ पता? सर, एक हॉर्न थोड़ा सा तेज है सर, हल्का वो है, पानी भीग के थोड़ा तेज भी करा लिया, और कोई मेरे कागजात पूरे थे, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी पे 10,000 का आपका चालान का? जी जी। तो इसमें कितनी मनमानी मानते हैं सरकार की? इसमें सरकार की कहो, सरकार की तो है, सब कुछ है, सरकारी तो है। जी सर, यहाँ पर आज हनुमान मूर्ति पर किस चीज़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है? यहाँ नॉइज पॉल्यूशन, बहुत सारी गाड़ियाँ जो प्रेशर हॉर्न लगा के चल रही हैं, और मोटरसाइकिल में और बुलेट में ये ओरिजिनल साइलेंसर निकाल करके, और तेज़ ध्वनि करने वाला आर्टिफिशियल साइलेंसर लगाते हैं, जिससे ये जाते समय जिस भी लोकलिटी से निकलते हैं वहाँ लोगों को परेशानी होती है। और ऊपर ये आदेश हुआ है कि इस प्रकार के साइलेंसर्स नहीं लगने चाहिए, और तेज हॉर्न वाले, प्रेशर हॉर्न वाले हॉर्न जो है वो गाड़ियों में नहीं होना चाहिए। आज जो अभियान चल रहा है, नॉइज पॉल्यूशन जो वाहन कर रहे हैं उनको पर कार्रवाई हो रही है? हाँ, आज का जो अभियान है वो नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर किया जा रहा है। अभियान कब तक चलेगा सर? यह 10 तारीख को।